बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रिफत। आप देख रहे हैं किचन रिफा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ नान खटाई बिस्किट। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें 1 कप मैदा चाहिए और आधा कप हमें बेसन चाहिए, 1 कप घी चाहिए, आधा कप हमें चीनी पिसी हुई चाहिए और 2 टेबलस्पून हमें सूजी चाहिए और 1/2 टीस्पून हमें इलायची पाउडर चाहिए। और ये मैंने 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने मीठा सोडा लिया है। और ये एक अंडा लिया है, इसकी हमने जर्दी ली है, सफ़ेदी नहीं हमने लेनी इसकी। और ये ऊपर गार्निश के लिए मैंने ये 1 टेबल स्पून मैंने बादाम लिए हैं, 1 टीस्पून मैंने चारों मग्ज़ लिए हैं, 1/2 टीस्पून मैंने तिल लिए हैं सफ़ेद वाले, और जो किशमिश ली है 1 टेबल स्पून, और जो नारियल का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, और जो मैगी ये इस कप से मैंने किया है सारा कुछ। ये मैंने 1 कप आपको बताया है ना मैदा, ये 1 कप का है, मैदा भी इसी से 1 कप। और हमने ऑयल नहीं लेना इसमें, घी इस्तेमाल करना है मेल्ट किया हुआ और ठंडा, तो ये भी इसी कप से करना है। और आधा कप मैंने बताया है बेसन का और चीनी का, ये इस कप से करना है आपने। और ये चम्मच मैंने बताए हैं आपको, ये टीस्पून चाय वाले चम्मच है, ये 1 टीस्पून है और ये 1/2 टीस्पून है। इस तरह आपने मेजरमेंट करनी है। ये आपके ठीक होगी तो फिर ये नान खटाई बिस्किट बिल्कुल आपके परफेक्ट बनेंगे। तो चलो इसकी डो पहले तैयार करने से पहले हम ओवन ऑन करते हैं। ये हमने 200 डिग्री पे हमने ओवन को ऑन करना है और नीचे वाले ग्रिल को हमें ऑन करना है। तो हम ऑन कर लेते हैं। जब हमने इसको बेक करना है तो बेक हमने 120 डिग्री पे करना है। चलो अब हम बैटर तैयार करते हैं इसका। अब हम ये बॉल एक लेते हैं और ये दही फेंटने वाला लेते हैं। इसमें हमने ये घी डाल देना 1 ग्लास और ये चीनी पीसी हुई डाल देनी इसमें। इसे हमने अच्छी तरह बीट करना है, ये एक क्रीमी सी शक्ल में आ जाए, बस जिस तरह क्रीम की नहीं शक्ल होती उस तरह हमने इसे करना है बीट करके इस तरह। ये देखिए हमने अच्छी तरह बीट कर लिया इसको, ये देखिए इस तरह। अब हम इसमें ये मैदा डालते हैं और ये बेसन ऐड करते हैं और साथ ही हम ये सूजी ऐड कर देते हैं, इलायची पाउडर भी साथ ही ऐड कर देते हैं और ये मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर इसको भी ऐड कर देते हैं साथ ही। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है इस तरह आस्ता आस्ता। ये देखिए बैटर हमने तैयार कर लिया, इस तरह का हमें चाहिए, ये सख्त सा हमें चाहिए। और आपने ज्यादा इसको हाथ की गरमाइश नहीं देनी, हाथ की गरमाइश से ना ये घी हमारा ज्यादा मेल्ट हो जाएगा फिर। अब हम बेकिंग ट्रे लेते हैं, इसके नीचे ये ऑयल ग्रीस करते हैं इस तरह। अच्छी तरह हमने ऑयल ग्रीस करना है इसके लिए, ये देखिए इस तरह हमने थोड़ा सा बैटर लेना है इस तरह, और इसकी छोटी सी बॉल बनानी हमने इस तरह। इस तरह छोटी सी बॉल बना के हमने इस तरह, और इसको थोड़ी सी हाथ की मदद से इस तरह फ्लैट कर देना है इस तरह इस तरह। इसको इस तरह रखते जाना है, फासले फासले पे हमें रखना है इसी तरह। देखिए इस तरह बॉल बनानी हमने, इसको थोड़ा सा फ्लैट कर देना इस तरह इस तरह इस तरह। हमें सारे बनाते जाना है और ट्रे में रखते जाना है। फिर हमने एक एक दफा ही बेक करना है इसको। ये देखिए हमने सारे बिस्किट बना लिए हैं, और ये जो अंडे की जर्दी हमने ली थी उसे हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह, और ब्रश की मदद से हमने इसके ऊपर इस तरह लगा देने सारे अंडों के ऊपर इस तरह। इससे कलर बहुत अच्छा आता है बिस्किट का।
ये अंडा हमने सबके ऊपर लगा लिया है, और ये हमने चीजें ली थी ऊपर गार्निश करने के लिए, ये हम लगाते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, जो चाहे आप चीज ले लें गार्निश के लिए ऊपर। और मैंने ये बादाम लिए हैं, थोड़े से ऊपर हम बादाम लगा देते हैं। इस तरह एक लाइन के ऊपर हम बादाम लगा देंगे सबके। किसी के ऊपर हम ये तेल, चारों मगज, किशमिश, इस तरह सारा कुछ लगा देंगे। इस तरह ये लगा दी हमने। अब जी हम चारों मगज लगा देते हैं थोड़े थोड़े से, इस तरह। इस तरह। और हम जो तेल लगा देते हैं ऊपर से, इस तरह। और जो नारियल का पाउडर, ये देखिए इस तरह नारियल का पाउडर हमने लगा दिया। अब जो हम किशमिश लगा देंगे, इस तरह। ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम उसको ओवन में रखते हैं 120 डिग्री पे। इस तरह आप बनाए, आपके घर वालों को और बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। जब ओवन में हम रखते हैं बेक होने के लिए, ये एक स्टेप छोड़ के हमें रखना है। इस तरह ये देखें, ये स्टेप ये और दूसरा स्टेप ये। हम दूसरे स्टेप पे हम इसको रखेंगे इस तरह, इस तरह। और इसको हमने 120 पे करना है, इस तरह 120 डिग्री पे। इसको हम तो कम से कम 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। ये देखिए बिस्किट हमारे बेक हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे बेक हुए हैं, ये फूले हुए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं, और इसे उस वक्त तक हमें टच नहीं करना जब तक ये ठंडे नहीं होंगे। गरम गरम को आप टच करेंगे वो सारे आपके टूट जाएंगे। ये देखिए हमने ओवन से बाहर निकाल लिए। ये देखिए अब ये ठंडे होंगे ना, तो फिर आपको हम सर्व करके बताएंगे इसकी फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह हमारे कितने प्यारे बेक हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। ये इस तरह बनाए मेरे तरीके से, आपके घर वालों को और बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। और नीचे से भी देखिए कितने प्यारे बेक हुए हैं। ये देखिए नीचे से कलर देखिए इसका, ये देखिए इस तरह का कलर हमें चाहिए। हमने नीचे से बस इसको बेक करना है। तो चलो फिर अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।